नमस्कार। आज की वीडियो में हम समास के बारे में जानेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त, जैसे राजपुत्र, देशभक्ति। अब हम समास की परिभाषा जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास छह प्रकार के होते हैं: अव्यभावी समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अव्यभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो तो वह अव्यभाव समास कहलाता है। इसकी पहचान ये होती है कि इसका पहला पद प्रधान होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, यथा, उप आदि उपसर्गों से बने हुए शब्दों में अव्यभाव समास होता है। उदाहरण के लिए आजीवन, आजन्म, आमरण, आकंठ, अनुरूप, अनुसार, अनुकूल, उपकार, प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, यथावत। दूसरा समास है बहुव्रीहि समास, जिसमें न पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण होता है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुव्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर, बारहसिंगा, दशानन, पंचानन, पंचवटी, प्रधानमंत्री, अजात शत्रु। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के छह भेद माने जाते हैं। हिंदी में जो आठ कारक हैं उनमें से छह कारकों से छह तत्पुरुष समास बने हैं। आठ में से कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी छह के आधार पर छह तत्पुरुष समास बनाए गए हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें जो कारक विभक्ति चिन्ह है उन्हीं का इस समास में से लोप होता है और उसी आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति का लोप होता है, जैसे गगन चुंबी, इसमें गगन को चूमने वाली, को विभक्ति इसमें लुप्त हो गई है और गगन चुंबी समास या शब्द तैयार हुआ है। इसी तरह से जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, इसमें भी को विभक्ति लुप्त हुई है। यश प्राप्त, इसमें यश को प्राप्त करने वाला, को विभक्ति का लोप है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को विभक्ति का लोप है, इस वजह से ये कर्म तत्पुरुष है। इस आधार पे आप समझ गए कर्म तत्पुरुष समास जिसमें को विभक्ति का लोप हो जाए उसी को हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष का दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास, इसमें से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है, जैसे मन चाहा, मन के द्वारा चाहा गया। तो मन चाहा शब्द में करण तत्पुरुष समास है। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, इसमें भी के द्वारा विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए ये करण तत्पुरुष समास है। रथ यात्रा, रथ के द्वारा यात्रा, तो इसमें भी के द्वारा विभक्ति का लोप हुआ है। हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, इसमें से विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास के तीसरे भेद संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है, जैसे गौशाला, गाय के लिए साला, भोजनालय, भोजन के लिए आल्ले, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इन सभी शब्दों में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष, इसमें से अथवा अलग होने का भाव शामिल होता है, जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, इस शब्द में से विभक्ति का लोप हुआ है, लेकिन ये से विभक्ति अलग होने वाले भाव को दर्शा रही है, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, इसमें भी से विभक्ति का लोप है। देश निकाला, देश से निकाला, से विभक्ति का ही लोप है। जलहीन, जल से हीन,
इसमें भी सेवी विभक्ति का लोप है, इसलिए ये सभी उदाहरण अपादान तत्पुरुष के माने जाएंगे। पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का की के रा री रे आदि कारक विभक्तियों का लोप होता है, इसलिए इसको संबंध तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे राजाज्ञा राजा की आज्ञा, राजरानी राजा की रानी, गृह स्वामी गृह के स्वामी, विद्या सागर विद्या के सागर, राजपुत्र राजा का पुत्र, इन सभी शब्दों में से का की के ति चिन्ह का लोप हो गया है, इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष शामिल है। तत्पुरुष समास का छठा उदाहरण है अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में मे पर आदि कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, इसलिए इसको अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बीती, आप पर बीती हुई, इसमें पर विभक्ति का लोप चिन्ह हुआ है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से जानने के बाद हम कर्मधारय समास की बात करेंगे। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का भाव हो या उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण के लिए चरण कमल, इसमें इस शब्द में एक उपमेय है और दूसरा उपमान है, इसमें चरण उपमेय है और कमल उपमान है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। मृगनयन, इसमें भी विशेष्य और विशेषण का संबंध है। अधमरा, महात्मा, सद्बुद्धि सद्भावना, दही बड़ा, गुरुदेव, मंदबुद्धि आदि सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए, तो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे दिन रात, दिन और रात, इसमें और का लोप हुआ है, इसमें और का लोप होके उसकी जगह पे योजक चिन्ह लगाया गया है, तो ये द्वंद्व समास है। माता पिता, इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, तो ये द्वंद्व समास है। आगे पीछे, देश विदेश, नर नारी, दाल भात, हरिहर, चला चल, ताल रोटी, रुपया पैसा, सुख दुख, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास, द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, त्रिभुज, चौमासा, दोपहर, सप्ताह, सप्त सिंधु, त्रिफला, त्रिकोण, त्रिलोक, तिमाही, षटकोण, इन सब में पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास है। आज के वीडियो में हमने समास के बारे में जाना। आप हिंदी भाषा और साहित्य की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले ही आपको उसकी जानकारी मिले। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।